खबर झालावाड़ से। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री निधि बीटी के द्वारा पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं मनरेगा योजना अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा ग्राम उदयपुर ग्राम पंचायत तीसरी एवं ग्राम चाचूरनी ग्राम पंचायत दुदालिया के विद्यालयों में निर्मित है जिस पीठ का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सभी कार्य संतोषजनक पाए गए। दुदालिया ग्राम पंचायत के चारचूनी में सार्वजनिक सड़क पर बहती गंदगी को रोकने के लिए चल रहे मैजिक पीठ का निरीक्षण कर ग्रामीण जनों से उक्त कार्यों की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त की तो ग्रामीणों के द्वारा उक्त कार्यों को उपयोगी व गंदगी से निजात दिलाने वाले कार्य बताया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडी के द्वारा चारचूनी ग्राम में विशेष ऑर्गेनिक खाद निर्माण प्रक्रिया के लिए विशेष तौर पर निर्माण किया गया नाडेप का निरीक्षण किया गया तो इस मौके पर राजेंद्र टांग द्वारा खाद बनाने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा मौके पर रखी हुई गोबर कृषि अपशिष्ट आदि को नाडेप में डालकर शुभारंभ किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीटी ने कहा कि जिले में ऑर्गेनिक खाद निर्माण के लिए आधुनिक नाडेप तैयार करने के लिए सहायक अभियंता रमेश चंद्र वर्मा समेत एसडीएम टीम पंचायत समिति टीम को धन्यवाद दिया तथा जिले में एवं राज्य उक्त कार्य के लिए एक मंडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने नरेगा योजना के तहत चल रहे तालाब गहरी कार्य का औचक निरीक्षण कर मेट को सैनिटाइजर व साबुन से पूरा करने काम पूरा दाम पर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान 47 श्रमिकों में से 38 श्रमिक उपस्थित पाए गए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत पीपलिया खुर्द की नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सरपंच देवेंद्र सिंह तूफान सिंह सहायक अभियंता के एमएम वर्मा स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वय मुकेश शर्मा कनिष्ठ तकनीकी सहायक नवीनतम अग्रवाल रमेश चंद्र वर्मा अशोक मीणा धर्मेंद्र कश्यप प्रवीण चौधरी प्रदीप चौधरी ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश सोनी कनिष्ठ सहायक चित्र विजय सिंह सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।